हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बर्मिंगम के लॉन्गेस्ट टनल की सैर करवाएंगे और बर्मिंगम के डिफरेंट एरियाज़ की सैर करवाएंगे। तो ये है वालसल रोड जहाँ पे हम जा रहे हैं। इसी रोड के ऊपर अलेक्जेंडर स्टेडियम है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। इस पे बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं। सामने आपको येलो क्रेन्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे ओलंपिक्स 2022 जो होने हैं उसकी जो है प्रेपरेशंस हो रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की। यहाँ पे उनके लिए रेजिडेंसीज का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये सारा पैरी पार का एरिया है। यहाँ पे सारा भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। ये जो वाइट बाउंड्री नज़र आ रही है, ये सारा यहाँ पे रेजिडेंसी तैयार हो रही हैं। यहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से जिनको शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पे, और इस जगह पे अब रेजिडेंसी तैयार हो रही हैं। इसके बिल्कुल सामने पैरी बार ग्रेहाउंड स्टेडियम है, इसको पैरी बार स्टेडियम भी कहते हैं। यहाँ पे डॉग्स रेसेस होती हैं और मोस्टली ये वीकेंड्स पे बिजी होता है। बहुत बड़ा स्टेडियम है ये भी।
अब हम वन स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है और उसमें 60 शॉप्स हैं। उसके अंदर आपको अंडर रूफ हर चीज़ मिलेगी, अंडर वन रूफ यानी कपड़े से लेके जूता तक आपको वहाँ मिलेगा। ग्रॉसरी की शॉप्स भी हैं, मीट शॉप्स भी हैं। ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा वन स्टॉप का शॉपिंग सेंटर है। ये पैरी पार का ब्रिज है और इसको गिराने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के मुताबिक इसको जो है ना गिराएंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा जगह खुली होगी। ये अब हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। इस रोड को A34 कहते हैं। ये राइट साइड पे न्यू हाउसेस बने हुए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे घर बने हुए हैं। ये चर्च की बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये मस्जिद है, सद्दाम मॉस्क इसका नाम है। ये इस टाइम हम ब्रिज के ऊपर हैं और जो नीचे का एरिया सारा बर्चफील्ड का है। ये ओवरहेड ब्रिजेस हैं इसके, ये A34 के ऊपर। सामने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये पब है, बहुत ही फेमस। यहाँ पे चार्ली चैपलिन आया करता था। ये बहुत पुराना पब है।
ये ग्रीन कलर की जो लेन है ये बस लेन है। राइट साइड पे हमारे न्यू टाउन है, ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ये रास्ता न्यू टाउन को जाता है राइट साइड पे। ये भी एक स्मॉल शॉपिंग सेंटर है इसके अंदर भी। और ये लेफ्ट साइड पे रॉयल मेल का कार पार्क आ गया है। यहाँ यूके की सारी मेल इकट्ठी होती है। अब हमें सिटी सेंटर की जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। बहुत ही ऊंची, लंबी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी रेजिडेंसीज़ हैं, होटल्स हैं, शॉपिंग सेंटर है इसके अंदर बहुत बड़ा। जितनी भी ब्रांड्स हैं उनकी जो हेड क्वार्टर हैं वो सारे इस सिटी सेंटर के अंदर हैं। इसमें ऑफिसेज हैं, बहुत बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल सिटी सेंटर के अंदर है। ये भी हम आपको बाहर बाहर से सिटी सेंटर के विज़िट करवाएंगे क्योंकि अंदर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। अंदर सिर्फ़ या तो आप बसेस के थ्रू जा सकते हो या फिर जो शॉपिंग सेंटर है अंदर वहाँ या तो बसेस जा सकती हैं या आप बाय फुट जा सकते हैं। ये सिटी सेंटर स्टार्ट हो गया है। बहुत ही ख़ूबसूरत और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस का, साइकिलिस्ट का बहुत ख्याल रखा जाता है। इन बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट ऑफिसेज हैं, कोर्ट्स हैं। ये टनल स्टार्ट हो गया है। अभी इससे आगे एक लॉन्गेस्ट टनल आएगा।
ये बार है, ये बर्मिंगम का लॉन्गेस्ट टनल है। इसमें जाते हुए बड़ा खौफ आता है, सपोज खुदा ना खास्ता अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो इससे बाहर निकलना मुश्किल है। ये डिफरेंट होटल्स की और ऑफिसेज़ की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ये भी होटल की बिल्डिंग है ब्लू कलर में। ये हम सिटी सेंटर को भी बाहर से विजिट कर रहे हैं, अभी इसके अंदर नहीं गए। अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह हैं इसके, वो आपको मैं अपनी किसी नई वीडियो में दिखाऊंगी। अभी ये बाय रोड हम जितना देख सकते हैं सिटी सेंटर को वो आपको दिखा रहे हैं। फिर हम लॉन्गेस्ट टनल में से गुजर रहे हैं।
ये गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये लेन्स बनाई हैं साइकिलिस्ट के लिए, ताकि ट्रैफिक से ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। ये ऑल द वे डाउन सिटी सेंटर तक बनी हुई है लेन। ये वो लेन है जो साइकिलिस्ट के लिए बनाई गई है। राइट साइड पे हमारे रॉयल मिल का ऑफिस है। ये रॉयल मिल का ऑफिस है और इसके सामने न्यू टाउन है। न्यू टाउन शॉपिंग सेंटर है इसके सामने। ये न्यू टाउन की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ये लेयर सेंटर है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे हर एरिया का अपना एक स्कूल होता है और लेयर सेंटर होता है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म की लोग एक्टिविटीज़ करते हैं जाके। और जो स्कूल होते हैं वो हर एरिया का अपना एक स्कूल होता है, यानी घरों के पास ही स्कूल होते हैं, आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं।
ये हमारे राइट साइड पे सद्दाम मॉस्क आ गई और इसके साथ मैंने आपको बताया था चर्च है। ये वन स्टॉप का एरिया है जिसमें मैंने आपको बताया था 60 शॉप्स हैं अंडर वन रूफ और बैंक्स हैं, बैंक्स की बिल्डिंग है। ये एक छोटा सा पब है इसके बाहर। और ये क्रेन्स वहीं पे लगी हुई हैं जहाँ पे कॉमनवेल्थ के की जो रेजिडेंसीज तैयार हो रही हैं, ये क्रेन्स वहाँ पे लगी हुई हैं।
ये हम दोबारा वालसल रोड पे आ गए हैं, जिसके ऊपर अलेक्जेंडर स्टेडियम है राइट साइड पे। ये सारा अलेक्जेंडर स्टेडियम का हिस्सा है। ये बादशाह पैलेस है, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वेडिंग सेरेमनीज होती हैं, पार्टीज होती हैं।
पे आ गए हैं। लेफ्ट साइड पे आपके जो है ये फिटनेस सेंटर है, बीचेस फिटनेस सेंटर। इसके अंदर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस एरिया के लोग आके करते हैं, डिफरेंट गेम्स प्ले करते हैं इसमें। इसके अंदर बहुत बड़ा जिम है, सोना, स्टीम बाथ, हर चीज़ इसके अंदर है। स्कूल के बच्चे यहाँ पे रजा के ट्रेनिंग लेते हैं स्कूल की तरफ से, और जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सेपरेट इसमें आते हैं। ये इस एरिया में बीचेस के अंदर बना हुआ है। इसके बैक साइड पे बहुत बड़ा कार पार्क है। स्कूल की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ये इस एरिया का स्कूल है, बहुत